सो हाय गाइस, मेरा नाम है मनजीत। स्वागत आप सभी का एमडी टॉक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोको F2 के बारे में। तो लास्ट ईयर पोको F1 यहां पर लॉन्च कर दिया गया था, एंड गाइस नो डाउट ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि 20-21 हज़ार की प्राइस रेंज में यहां पर आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन का पावरफुल 845 का चिपसेट, एंड साथ ही साथ यहां पर आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है, बैटरी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है, एंड और भी कुछ ज़बरदस्त फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको 35-40 हज़ार की प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सभी को इंतजार है पोको F1 के सक्सेसर यानी पोको F2 का। तो दोस्तों, काफी सारे लीक्स यहां पर आ चुकी है, एंड जल्दी यहां पर यह स्मार्टफोन भी लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पोको F2 के प्राइस के बारे में, इसकी लॉन्च डेट के बारे में, इसके फुल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, आखिरकार पोको F2 कैसा होने वाला है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक पूरा जरूर से देखते रहिए। लेकिन गाइस, उससे पहले जल्दी से यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर गाइस, अगर बात करी जाए पोको F2 के बारे में, तो जल्दी ये फ़ोन आपको इंडिया में लॉन्च देखने को मिल जाएगा, एंड सभी को इस फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि लास्ट ईयर जो पोको F1 लॉन्च किया गया था, कम प्राइस में ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर उस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले गाइस, हम बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन एंड डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस, नो डाउट पोको F1 कमाल का डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर सभी को निराश कर दिया था इस फ़ोन के डिज़ाइन ने। जी हाँ दोस्तों, डिज़ाइन इतना बढ़िया यहाँ पर देखने में नहीं लगता, जैसे कि आज के टाइम में Redmi Note 7 आपको मिलता है, वैसी गलती यहाँ पर Xiaomi दोबारा नहीं दोहराने वाला है, एंड अब की बार इस फोन का डिजाइन आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। तो डायरेक्ट गाइस आते हैं इस फोन के डिजाइन एंड डिस्प्ले के ऊपर। तो डिस्प्ले आपको यहां पर मिलेगी 6.4 इंचेस के फुल HD प्लस वाली एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंफॉर्मेशन आई थी कि Xiaomi ने Mi A3 पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है, ऐसे में यह फोन आपको 16-17 हज़ार रुपए का देखने को मिलेगा Mi A3। यहां पर आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी साथ में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में यहां पर पोको F2 में भी आपको 20-22 हज़ार की प्राइस रेंज में सुपर AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। एंड आजकल का जो ट्रेंड है, जो डॉट नोच वाली डिस्प्ले है, जो वाटर नोच ड्रॉप वाली डिस्प्ले है, वही आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इस फोन के मैं बैक डिज़ाइन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर आपको बैक में ग्लास फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, मतलब 3D ग्रेडेंट कलर वाली बैक डिज़ाइन देखने को मिलेगी, जैसे कि Mi 9 में आपको देखने को मिल जाती है, Note 7 Pro में आपको देखने को मिल जाती है। एंड बैक में आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। जी हाँ दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का आपको सोनी का IMX586 वाला एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, सेकेंडरी सेंसर आपका वाइड एंगल लेंस होने वाला है, तीसरा सेंसर आपका डेप्थ सेंसिंग के काम आने वाला है। गाइस, अगर मैं सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूं, तो ऐसे में कुछ लीक्स यहां पर सामने निकल कर आ चुकी है कि Mi A3 में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में यहां पर पोको F2 में भी पूरे चांसेस है कि आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाए, लेकिन मिनिमम आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जरूर से देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप भी जरूर से देखने को मिलेगा। तो गाइस, ऐसे में अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, तो दोस्तों 20-25 हज़ार की प्राइस रेंज में इससे बढ़िया कैमरा आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, यहां पर आपको हमेशा की तरह 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, USB टाइप सी भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, एंड फोन की बैक में एंड फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, क्योंकि 10,000 की प्राइस रेंज में यहां पर Redmi Note 7 में भी आपको बैक में एंड फ्रंट में दोनों तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। गाइस, अगर बात करी जाए इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे मेन हाइलाइटिंग पॉइंट इस फोन का होने वाला है वो है इसका प्रोसेसर। जी हां दोस्तों, अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 855। जी हां दोस्तों, जो कि आजकल आपको 40-50 हज़ार में देखने को मिलता है, वो इस फोन में आपको 25,000 के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो आपको थोड़ी सी भी लैग इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। डे टू डे लाइफ में चाहिए आप हाई ग्राफिक्स के गेम भी साथ में प्ले कर सकते हो, आपको कोई भी लैक वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला। साथ में आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जिसकी की हेल्प से आपका फोन यहाँ पर हीट वगैरह भी नहीं होने वाला है,
और साथ में आपको वाइल्ड लाइन L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ये फोन आपका एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि MIUI 10 के ऊपर बेस होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी, अच्छा कैमरा, अच्छा डिज़ाइन, अच्छा प्रोसेसर एंड आपको साथ में USB टाइप सी एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करूँ इस फोन की प्राइस के बारे में, तो लास्ट ईयर पोको F1 21,000 की प्राइस रेंज पर लॉन्च किया गया था। एंड ऐसे में गाइस यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा कि पोको F1 आपको 17-18 हज़ार रुपये में भी देखने को मिला है सेल के दौरान। तो दोस्तों Xiaomi के सीधी हिंट है कि जितना उनका Poco F1 का स्टॉक बचा है वो सारा सेल करना चाहते हैं, उसके बाद आपको Poco F2 यहां पर वो लॉन्च करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपको यहां पर Redmi Note 5 Pro, Note 6 Pro एंड Redmi Note 7 Pro तीनों यहां पर सेम प्राइस में लॉन्च देखने को मिले थे 14,000 में। Poco F2 भी दोस्तों Poco F1 वाले ही प्राइस में लॉन्च होगा, ऐसा गाइस मेरा मानना है, क्योंकि Xiaomi जो भी सीरीज है वो सेम प्राइस में लगभग लॉन्च करती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। तीन वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, 6+64 GB, 6+128 GB एंड जो लास्ट वेरिएंट होगा वो होगा 8 GB रैम प्लस 256 GB। 20,000 से 30,000 की प्राइस रेंज में आपको तीनों ही वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स आपको इतने कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। गाइज अगर आपका बजट है 20,000 से 30,000 रुपये तो ज़रूर से आप वेट कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन ये जब आएगा तो पूरे मार्केट में आग लगा देगा। वीवो V15 Pro, ओप्पो F11 Pro जैसे स्मार्टफोन को ये आराम से यहाँ पर किल कर देगा। गाइज बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट के बारे में, तो अगले 1 से 1.5 महीने में ये फ़ोन आपको ज़रूर से लॉन्च देखने को मिल जाएगा। एंड गाइज कुछ लीक्स का तो ये भी कहना है कि अप्रैल के एंड तक ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको मिड मई से पहले ये फोन आपको जरूर से इंडिया में लॉन्च देखने को मिलेगा। तो अप्रैल एंड या फिर मई की स्टार्टिंग तक आप थोड़ा सा यहां पर वेट कर लीजिएगा। तो गाइज ये फ़ोन यहाँ पर कमाल का रहने वाला है, एंड आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो फ़ोन कमाल का है तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से बजा दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत, टेक केयर।